ओम शांति। 24 नवंबर 2018 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। प्रश्न, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर, श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते ही उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत बनवारी रे। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए। दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहां सब दुखी है। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहां दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब ही जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह भूलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुणी थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, वो स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान, तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा। यह भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतु कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका एक दो जन्म का पाठ है वह तो सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पाठ ही थोड़ा है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं। सबकी एक मत तो नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है। मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है। हर एक आत्मा का अलग है। धर्म भी अलग है। तो उनके लिए समझाने भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु
उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी, सन्यासी आदि जो भी हैं, सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उन्हों के पास है ही नहीं। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपनी धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत हैं, समझाने वाले बच्चे भी नंबर वार हैं, सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ है तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है, यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेशिया संदेश ले आती है, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफियर होता है, दूसरे संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आता है, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। यह बड़ी समझने की बात है, बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़े ही एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं, अजामिल जैसी पापात्माएं गणिकाएं बहुत हैं। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो पांच विकार हैं, इसलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सतयुग में पांच विकार होते नहीं, कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे ही, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं, तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, लिखने वाले तो है मनुष्य, व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना। यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं, धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है, जैसे गुरु नानक ने सुनाया बाद में ग्रंथ बनता है, तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, सबका बाप वह एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो, यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो
कोई भेजने वाला नहीं, शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वह है मैसेज ले आने वाले। मुझे कोई भेजने वाला नहीं, मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे, मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ, मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है। वो मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो, मेरा बाबा। बच्चे ही कहेंगे मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं, हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे यह हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो, यह राज भी कोई समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं, श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है, शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण, तो शिव है मात पिता, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी आ जाते हैं। यह समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है, बाप परमपिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती। गॉड को फादर कहा जाता है, फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा, आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं का बाप वह परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती ही है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े, सत्युग में तो आना सके। वह प्रालब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी तीन धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, क्योंकि
फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, पंचायती राज्य है। अनेक पंच हैं, नहीं तो पांच पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। सो भी आज हैं, कल नहीं। आज मिनिस्टर हैं, कल उनको उतार देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर कैंसल कर देते हैं। यह है अल्पकाल का क्षण भंगुर राज्य। किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है। अखबारों से कुछ न कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। यह तो जानते ही देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म होने वाला है। बाप कहते ही सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं। भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहिक ऐसा किया। पश्चाताप होता है ना? कोई जेल बर्ड होते हैं, वो कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे। तुम ही से बैठूं यश बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है, लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा तो वह फिर गऊ दिखाते हैं क्या क्या बातें बना दी है। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग है, वहां कोई रोग नहीं है। न कभी अकाले मृत्यु होती है। समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना? तो सबको यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो, खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। बाबा फिर
हमको स्वर्ग में भेज देंगे, सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं, श्री कृष्ण में तो यह नॉलेज थी ही नहीं, यह सहज राजयोग और ज्ञान उसमें था ही नहीं, उसने राजयोग सिखलाया नहीं है, वह तो राजयोग सीखा है बाप के द्वारा। कितनी बड़ी बात है, जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक समझ भी नहीं सकता, और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़े ऊंच पद पा सकेंगे, बाप को जो जानते ही वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे, बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। अपने को नशा छड़ा हुआ है तो औरों को भी छड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है, सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है, जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है, दूसरा सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे, नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, कमजोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है, जो अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। स्लोगन, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन YouTube, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.